हेलो गाइज, हाउ आर यू टू ऑल। माई नेम इज प्रमोद। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट। तो गाइज, लेके आ चुका हूँ मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि Redmi के फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन ओवरव्यू से लॉक कैसे किया जाता है। जी हाँ गाइज, लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ कहना चाहूँगा। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही है आज, तो इसलिए माफ़ी चाहते हैं गाइज, है ना। तो आप वॉइस पे ध्यान मत दीजिए, आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने रेडमी के फ़ोन में कोई भी ऐप्स रिसेंट में आप लॉक कैसे कर सकते हो। आप लॉक क्यों किया जाता है वो भी मैं बताता हूँ। क्या होता है ना गाइज, जैसा कि हमारे फ़ोन में, कुछ फ़ोनों में क्या है, रेडमी के फ़ोन जो होते हैं वहाँ पे, या हर कोई जो भी फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है, तो वहाँ पे क्या है कि जैसा ऑटो टीडीएस हमारा कभी कभी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, या कोई भी एप्लीकेशंस बंद हो जाती है, ठीक है। मान के चलो गाइज, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मेरे फ़ोन में क्या होता था ना कि मैं ऑटो टीडीएस यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो क्या होता था कि हम मैं रिसेंट से जो भी एप्लीकेशंस क्लोज करता था, ठीक है, डिसमिस करता था, तो क्या है कि मेरा ऑटो टीटीएस भी बंद हो जाता था। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो ऐसा होता है तो उस समय क्या करना होता है, हमें उस एप्लीकेशंस को लॉक करना होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स हैं, है ना, फ़ोन में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फ़ोन है कि वहाँ पे ओवर यू जैसा रिसेंट बटन प्लेस करने के बाद वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन लॉक करते हैं तो वहाँ पे लॉक करने का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन रेडमी का जो फ़ोन है वहाँ पे ऑप्शन नहीं आता, है ना। तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे लॉक किया जाता है, कहाँ पे आपको लॉक करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, और आपका ऑटो टीटीएस वर्क नहीं कर रहा है अच्छे से तो कैसे वर्क करेगा। ऑटो टीटीएस या ओकोलाइजर या जो भी है उसको आप कैसे लॉक कर पाओगे, और कैसे आपके फ़ोन में अच्छे से वर्क करेगा, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए अब बढ़ते वीडियो की ओर। लेकिन उससे पहले, चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल पर को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सबसे पहले हमारी वीडियोस देख पाए। वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो गाइज, चलिए अब बढ़ते अपनी वीडियो की ओर। तो गाइज, मेरे फ़ोन में क्या होता था कि ऑटो टीटीएस जो है वो बंद हो जाता था, ठीक है। मैं रिसेंट से क्लोज करता था सारे ऐप्स, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। ये ओवरव्यू बटन हुआ, ओवरव्यू बटन को मैंने प्लेस किया। अब ये जितने भी यहाँ पे ऐप्स हैं जो भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये ऐप्स यहाँ पे होते हैं, तो उन्हें हमें डिसमिस करना है, तो हम डिसमिस करते हैं। तो क्या होता है कि डिसमिस करते समय ऑटो टीटीएस भी हमारा बंद हो जाता है, ठीक है। खास करके एंड्रॉयड वर्जन 10 में भी ये समस्या आती है, और कुछ फ़ोनों में तो एंड्रॉयड 11 और 12 में भी ये समस्या होती है, ठीक है। तो थोड़ा शोर आ सकता है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। तो आगे हम इसको सभी को डिसमिस करते हैं, ठीक है। तो हम, ठीक है, तो इसमें मैं जैसे हाँ, इस पर मैं क्लिक करूँ क्लियर हो जाएगा, इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो पहले मैं जैसे इस पर क्लिक करता था ना, तो सारे ऐप्स हमारे बंद हो जाते थे, ये रिसेंट मतलब यहाँ से डिसमिस हो जाते थे, और उसके साथ साथ हमारा ऑटो टीटीएस भी बंद हो जाता था, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखना बंद होता है या नहीं, मैंने लॉक करके रखा है अभी, ठीक है, तो नहीं होता, देखना। All recent applications dismissed. देखो डिसमिस हो गया, देखो। तो पहले क्या होता था, मैं ऐसे करता था ना, तो मेरा ऑटो टीटीएस जो है वो बंद हो जाता था, कुछ टॉक में बोल ही नहीं रहा था, ठीक है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको उस एप्लीकेशन को लॉक करना है, ठीक है। यहाँ आपके फ़ोन में ऑटो टीटीएस चल तो रहा है, लेकिन कभी कभी अचानक से बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको लॉक करना होगा, ठीक है। तो जितने भी सैमसंग के फ़ोन है वहाँ पे तो रिसेंट बटन में लॉक करने का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन रेडमी के फ़ोन में नहीं आता, तो उसको कैसे लॉक करना है। तो चलें, तो मैं आपको बताता हूँ, आपके फ़ोन में रेडमी का जितने लोगों के पास फ़ोन है वहाँ पे एक सिक्योरिटी नाम का ऑप्शन आता होगा, ठीक है, आता है। सिक्योरिटी एक एप्लीकेशन है, वो आती है, मैं आपको दिखाता हूँ।
Page 2. Quit racing. Open app. Racing. Security application मिलता है आपको. डिफॉल्ट में आता है. फोन आप खरीदते हो तो कंपनी की ओर से आपको एप्लीकेशन आता है सिक्योरिटी नाम का. Notes. Gallery. Assist. Play Store. Secure. Google. देखो. Security. ये सिक्योरिटी एक ऐप्स है गाइस. ठीक है, तो आपको इस पे क्लिक करना है. मैंने सिक्योरिटी पे क्लिक किया. ठीक है, अब आगे स्वाइप करते हैं. स्कैनिंग सेटिंग्स. तो आपको सेटिंग पे क्लिक करना होगा. ठीक है, तो सेटिंग पे मैं क्लिक करता हूँ. मैंने सेटिंग पे क्लिक किया. अब आगे स्वाइप करते हैं. जनरल. शो मेन्यू एंड नोटिफिकेशन. Scan exceptions. Feature settings. Cleaner. Cleaner. Boost speed. Boost speed. देखो फिर से सुन लीजिए. Boost speed. Boost speed जो बोलता है. ठीक है, boost speed पे आपको क्लिक करना है. ठीक है, तो मैं अब इस पे क्लिक करता हूँ. Settings. ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया. अब आगे स्वाइप करते हैं. Settings. Settings. Lock apps. Lock apps. तो यहाँ पे हमारे जितने ऐप मैंने लॉक है वो दिखाएंगे. ठीक है, आपने अगर एक भी ऐप लॉक नहीं किया हो तो नहीं दिखाएगा. तो मैंने ऑटो टेस्ट को भी लॉक किया है. देखो लॉक ऐप्स 4. लॉक ऐप्स 4. चार 4 ऐप्स को मैंने लॉक किया है. देखो ऑटो स्पीड बूस्ट. ऑटो स्पीड बूस्ट ये हेल्प में क्लियर कैश व्हेन डिवाइस इज लॉक स्टॉप रिकॉर्डिंग 6 मिनट. ऑटो लॉक ऐप्स 4. हां, लॉक ऐप्स 4 पे क्लिक करते हैं. लॉक ऐप्स. ठीक है, तो आपको लॉक ऐप्स 4 पे क्लिक करना है. ठीक है, सबसे पहले या नहीं किए हो तो आपको आपके पास ऐप्स का ऑप्शन आएगा. ठीक है, तो क्लिक करना है. फिर आगे लॉक ऐप्स. लॉक ऐप लॉक. वोकलाइजर वॉइसेस. वोकलाइजर वॉइसेस चेक है. ETI eloquence TTS checked. चेक बॉक्स. चेक चेक बॉक्स. इसको मैंने चेक किया तो ये लॉक है. ठीक है, स्किप एड्स चेक. चेक बॉक्स. स्किप एड है, इसको भी मैंने लॉक किया है. Auto TTS supported for Android version 5 to Android version 12. Checked. Check box. ये भी चेक है. Unlocked. Unlocked. अब इसके बाद जो है अनलॉक का ऑप्शन आएगा. ठीक है, अनलॉक जितने भी ऑप्शन वो आएंगे. Screen recorder. Screen recorder. Google One. Rush. Voice changer with YouTube. YouTube. G2 Plus. G2 Plus. तो आप मुझे मान के चलो जीसुओ को लॉक करना है. ठीक है, तो ये बोल रहा है. G2 Plus. Not checked. Check box. Not checked. Check box. इस पे हम क्लिक करेंगे. Checked. तो चेक हो गया. मतलब अब जीसुओ लॉक हो चुका है. अब हमारा जीसुओ भी बंद नहीं होने वाला है गाइस. ठीक है. Narrator's voice. तो ऐसे आपको लॉक करना है. बस उस पर आपने चेक किया है तो लॉक हो गया है. अब लॉक हो चुका है. अब आप आपको देखना है हमारा जीसो लॉक हुआ नहीं. तो लेफ्ट स्वाइप करते हैं. लॉक ऐप. लॉक. वोकलाइजर वॉइस. स्किप. स्किप ऐड. ऑटो टीटीएस सपोर्टेड फॉर एंड्रॉइड. अनलॉक्ड. स्क्रीन अनलॉक. ऑटो टीटीएस वोक लॉक. लॉक बैक. 8 मिनट. Stop narrator's voice. एक बार ब्याक होके फिर जाएंगे तब वो जीसो हमारा दिखाएगा. ठीक है. Auto speed boost. Lock apps. Auto speed boost. Okay, lock app. Clear cache window. Stop recording. Auto lock apps. 5. Lock apps 5. देखो पहले 4 दिखा रहा था lock apps, अब 5 दिखा रहा है. क्लिक करते इस पे. Lock apps. Lock app. Locked. G2O plus. G2O plus. देखो आ गया G2O plus. Check box. एक बार ब्याक होया फिर से क्योंकि वहाँ पे लॉक थे ना तो ये लिस्ट में नहीं आता लेकिन अब आ गया मतलब ये लॉक हो चुका है. ठीक है, तो आपके भी फोन में ऐसा होता है कि कुछ एप्लीकेशन रिसेंट बटन रिसेंट में जो ऐप्स होते हैं उनको आप क्लोज करना चाहते हो और क्लोज करते हो तो आपके पास जो ऐप्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. तो आपको ऐसा करना है या तो आपके फ़ोन में जो ऑटो टीटीएस है जो भी है वो ऑटोमेटिकली कभी कभी चलते चलते बंद हो जाता है तो आपको इसी तरह उन्हें लॉक करना है. ठीक है गाइज, तो माफ़ी चाहते हैं मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हुई है आज है ना, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसी वजह से, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ गाइज. तो आप वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को आपने अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ अच्छी आवाज़ के साथ. तो देखते रहिए तब तक टेक्नोलॉजी प्लान सपोर्ट यूट्यूब चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.